भारत रत्न को लेकर अटकलें तेज। पीटीआई के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकती है देश का सर्वोच्च सम्मान। वाजपेयी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी अटकलें। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपने भाषण में कर सकते हैं ऐलान। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत रत्न के नामों पर अब तक औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अटल बिहारी वाजपेयी और सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने के पक्ष में। पीटीआई के मुताबिक भारत रत्न के लिए 5 नामों पर हो रहा है विचार। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे आखिरी फैसला। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर फिर से विवाद। स्मृति ईरानी ने कहा, मेरे पास येल यूनिवर्सिटी की डिग्री। In that kitty of mine where people call me Anpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. मैं आपसे आग्रह करती हूँ राहुल कमल जी, आप स्वयं मेरे खिलाफ PIL दाखिल कीजिए, मैं इसका जवाब आपको कोर्ट में दे दूंगी। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर बोला हमला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हर बात बदल जाती है डिग्री, अगर ऐसी कोई डिग्री है तो हलफनामे में जिक्र क्यों नहीं। दो फॉल्स एफिडेविट्स डाल रहे हैं, कहीं डिग्री की बात नहीं है। और जैसे मैं बार बार और हर बार दोहराऊंगी, एक जो इंटेग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है और सच्चाई होती है अपने देश की तरफ, वो इसमें मिसिंग है। MIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, येल यूनिवर्सिटी में 7 दिनों का मैंने भी किया है कोर्स, लेकिन ये कोई डिग्री नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, वैसे ये हमारे लिए मुद्दा नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी खुद दे सफाई। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इस तरह काम करती हैं, मिनिस्ट्री को किस तरह आगे ले जाती हैं, अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, बड़ा मुद्दा वो है। कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमार स्वामी ने कहा, संसदीय कमेटी का हिस्सा बनकर येल में मैंने भी बिताए 15 दिन, लेकिन वो कोई कोर्स या डिग्री नहीं। स्मृति ईरानी की डिग्री पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बोली बीजेपी, कहा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा। ये वक्त की कांग्रेस पार्टी को नॉन इश्यूज पर इशू बनाने की आदत पड़ गई है, उसके पास कोई इशू रह नहीं गया है, मुद्दों का अकाल पड़ गया है। और जिस तरह से मुद्दों का टोटा पड़ गया है, उसमें इस तरह के मानसिक संतुलन को बिगड़े हुए सवाल और बिगड़े हुए बयान स्वाभाविक है, इसलिए हम उस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। हरियाणा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने पार्टी आलाकमान को दिखाया ठेंगा, मोदी और अमित शाह के साथ पोस्टर में दिखे। वीरेंद्र सिंह ने 16 अगस्त को जिंद में बुलाई है हरियाणा निर्माण रैली, मोदी और अमित शाह के साथ छपवाए पोस्टर। जिंद में जगह जगह लगे मोदी और अमित शाह के साथ वीरेंद्र सिंह के पोस्टर, मंच से बीजेपी में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ फिर निकाली भड़ास, पार्टी में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था की कही बात। सब कुछ जो आज की व्यवस्था है, इससे लोग कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के लिए। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, भाई के लिए बहनों ने की लंबी आयु की कामना। प्रधानमंत्री आवास पर भी मना रक्षाबंधन का त्यौहार, देश के अलग अलग शहरों से आए स्कूली बच्चों ने मोदी को बांधी राखी। वृंदावन के आश्रम के रहने वाली महिलाएं भी पहुंची दिल्ली, प्रधानमंत्री को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। वृंदावन से आई विधवा महिलाओं ने मोदी की कलाई पर बांधी राखी, PM को अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया। रक्षाबंधन पर केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला भी पहुंची प्रधानमंत्री आवास, मोदी को बांधी राखी। साध्वी रितम भरा ने भी मोदी की कलाई पर बांधी राखी, मोदी की लंबी उम्र की कामना की।
राष्ट्रपति भवन में भी मना रक्षाबंधन का त्यौहार, स्कूली बच्चों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बांधी राखी। आडवाणी और राजनाथ की कलाई में भी सजी रक्षा की डोर, स्कूली बच्चों ने बांधी राखी। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी मनाया राखी का त्यौहार, बच्चों की कलाई पर बांधी राखी दिए उपहार। रक्षाबंधन पर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा, मंदिर के पुजारियों ने महाकाल को बांधी राखी। इंदौर में श्री खजराना गणेश को बांधी गई सबसे लंबी राखी, 13 साल से भगवान को राखी बांधने की परंपरा। अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर जवानों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी। राजस्थान के गंगानगर में लड़कियों ने बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, लंबी उम्र की कामना की। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों ने भी मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार, महिलाओं ने राखी बांधकर लंबी उम्र की मांगी दुआ। शबरी मुबारक के पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा खत्म, रक्षाबंधन पर हर साल यात्रा की होती है समाप्ति। करीब 1.5 महीने तक चली अमरनाथ यात्रा, इस साल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के किए दर्शन। शिमला में रक्षाबंधन पर मैराथन का आयोजन, मैराथन में शामिल बच्चों ने महिलाओं की सुरक्षा का लिया संकल्प। भोपाल में रक्षाबंधन पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, तोहफे में बहनों को प्याज और टमाटर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर खुला मोर्चा, मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर जोरदार बारिश, बारिश के कारण कई जगह लगा भारी जाम। कई जगह सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, रक्षाबंधन पर रिश्तेदारों के घर जाने निकले लोगों पर मुसीबत। आईटीओ, आईएसबीटी और नई दिल्ली स्टेशन के पास लगा घंटों जाम, जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लगा भारी जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दक्षिण दिल्ली में भी बारिश के कारण कई जगहों पर जाम, एम्स फ्लाईओवर और साउथ एक्स के पास घंटों लगा रहा जाम। दिल्ली के करोल बाग में बारिश में कार पर गिरा पेड़, हादसे में महिला समेत 2 लोग घायल। वैगनआर कार में सवार लोगों को डिक्की तोड़कर बाहर निकाला गया, सभी अस्पताल में भर्ती। स्थानीय लोगों के मुताबिक कमजोर हो चुकी थी पेड़ की जड़ें, एमसीडी ने शिकायत पर नहीं दिया ध्यान। गुजरात में वडोदरा के पास दर्दनाक हादसा, नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत। अपनी बहन से राखी बंधवाकर लौट रहे थे पांचों भाई, हादसे के बाद घर में छाया मातम। बेंगलोर में एक शख्स को युवती से छेड़खानी करना पड़ा, महंगा पीड़ित ने पीछा कर लातों से की धुनाई। अपनी सहेली के साथ पार्क में जॉगिंग करने के लिए गई थी युवती, सहेली ने आरोपी की मोबाइल में उतारी तस्वीरें। पहले भागने में कामयाब रहा आरोपी, बाद में मोबाइल क्लिप की मदद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के राजकीय संग्रहालय में रखी महारानी विक्टोरिया की मूर्तियों से तोड़फोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महानायक स्मृति मंच के कार्यकर्ताओं पर लगा तोड़फोड़ का आरोप, संग्रहालय की सुरक्षा पर उठे सवाल। पाकिस्तान ने एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, जम्मू के मेजर सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग। एलओसी पर सुबह 11:30 बजे पाक की ओर से फायरिंग, फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पाक फायरिंग का भारतीय जवानों ने भी दिया जवाब, फायरिंग के बाद एलओसी के पास गांवों में दहशत। अप्रैल से लेकर अब तक पाक की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, पिछले महीने पाक की ओर से 8 बार फायरिंग। ओडिशा के क्योंझार जिले में बाढ़ से भारी तबाही, वैतरणी नदी खतरे के निशान के ऊपर। जिले के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, राहत शिविरों में रह रहे हैं लोग।
ओडिशा से इस बार बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित, कई लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर, कई जिलों में बनाएगा राहत शिविर। चेन्नई में इबोला वायरस के संदिग्ध मरीज के अस्पताल से छुट्टी, शुरुआती जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी। इबोला वायरस के खतरे से बचने के लिए देशभर में अलर्ट, एयरपोर्ट पर कड़ी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी के लिए बनाया कंट्रोल रूम, कई शहरों में बने इलाज केंद्र। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बना स्पेशल वार्ड, डॉक्टरों को सावधान रहने को कहा गया। अफ्रीका के कुछ देशों में फैला इबोला वायरस बीमारी से अब तक 961 लोगों की मौत। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान धोनी का शर्मनाक बयान, कहा अच्छा हुआ मैच 3 दिन में खत्म हो गया, हमें 2 दिन आराम करने को मिल गए। धोनी के बयान की पूर्व क्रिकेटरों ने की आलोचना, चेतन चौहान ने कहा धोनी का बयान बचकाना। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार के बाद धोनी की कप्तानी पर उठे सवाल, पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने कहा टेस्ट कप्तान नहीं है धोनी। लॉर्ड्स में जीत के बाद टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार, धोनी की कप्तानी को लेकर उठे सवाल। ईरान के तेहरान में विमान हादसे में 40 लोगों के मारे जाने की आशंका। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। खबरों के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ विमान। ईरान से मिल रही खबरों के मुताबिक इंजन में खराबी के कारण हुआ हादसा। मलबे से लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी, अभी मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं।